Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel Cyber Sultan Official। आज मैं एक और व्लॉग बना रहा हूँ, वो बड़ा ही आज दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज अब अम्मी को कहा है कि गाजर का हलवा बनाते हैं क्योंकि मौसम भी जाने वाला है। आज तो वैसे ठंड है काफ़ी ज़्यादा, कल भी बड़ी ठंड थी, हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी तो उसकी वजह से ना ऐसे लग रहा था कि शायद ना दोबारा सर्दी आ रही है, लेकिन खैर अब मौसम तो चेंज हो ही रहा है, अब अल्लाह पाक रहम फरमाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, वो भी दूध में। और एक तो होता है वो जो घी वाला होता है, वो हमारे घर में ज़्यादा लाइक नहीं किया जाता क्योंकि बुज़ुर्ग कहते हैं हमारे, जैसे कि वालदा है वालिद हैं, सारे कहते हैं कि दूध में जो ताकत है ना वो घी में नहीं है, मतलब ये जो डालडा वगैरह होता है। तो हम तैयार कर रहे हैं गाजर का हलवा दूध में, तो सारा सामान वगैरह मैं लेके आ गया हूँ। इस वक्त तो खैर शाम का टाइम हो चुका है, तो अम्मी इस वक्त मैं वैसे अपनी गली में हूँ, तो अम्मी को मैंने दिया हुआ है, वो रेडी कर रही हैं। तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, एंजॉय करें आप। तो ये भी देख लें कि दूध का गाजर का हलवा कैसे बन। तो गाइस यहाँ पे अम्मी गाजर तैयार कर रही हैं और जो उसके ऊपर वाला जो छिलका होता है वो उतार रही हैं, क्योंकि ना ऐसे उतार कर ही वो क्रश करेंगी, तो क्योंकि उससे उसी से ही बेहतर बनता है और उसकी जो जो भी सफाई वगैरह होती है ना तो वो आराम से हो जाती है, जो मैल कुचैल होती है वो उतर जाती है। तो इसे करने के बाद हम धोएंगे और जो दूध है वो हमने बॉयल होना रख दिया है, वो जब सही तरह से पक जाएगा तो उसमें फिर हम ना जो क्रश की हुई गाजरें होंगी वो हम डालेंगे। तो ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये अब समझ लें कि खोलने वाला है, और बस गाजरें हमारी वैसे अब रेडी हो चुकी हैं, जितनी भी हमने गाजरें डालनी हैं, वैसे ऑलमोस्ट आप जितनी भी डालना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। तो हमने तकरीबन 7-8 किलो दूध लिया था और उसी में ही सारा काम हम कर रहे हैं। तो अब ये जो है इतनी गाजरों में काफ़ी ज़्यादा वैसे खैर बन जाता है क्योंकि दूध है ना, और यहाँ पर बस वॉश करके और फिर इसे क्रश करेंगे, और क्रश करने के बाद जब उसे सही तरह से फिर उबाल आ जाएगा ना दूध में तो वो हम उसमें डाल देंगे, और बस फिर उसे हमें सही तरह से पकाना है क्योंकि आपके पकाने पर ही होता है सारा काम, और जो भी इसमें मेवजात होती हैं वो आप डालें जैसे भी होता है वो आप पे है। यहाँ पे अभी अम्मी क्रश कर रही हैं और उसके बाद मेरी बारी है, क्योंकि ना अम्मी और भी काम कर रही थी साथ साथ, तो फिर अम्मी और मैं बस बनाने वाले थे, बाकी तो सारे खैर अपने अपने कामों में मसरूफ थे, अम्मी और मैं ही घर थे, बच्चे स्कूल गए हुए थे सारे। तो बस यहाँ पे अम्मी मुझे बता रही थी कि आपने इस तरह से क्रश करना है, और यहाँ पर आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कुछ गाजरें मैंने की थी तो उसके बाद फिर मुझे एक काम याद आ गया था और वहाँ पर चला गया, और बाकी फिर बाकी जो भी गाजरें थी वो अम्मी ने क्रश की। तो क्रश करने के बाद ना यहाँ पे हमने जो दूध है उसका उसमें बॉयल आ गया है, और अब अम्मी डाल रही हैं इलायची, क्योंकि खुशबू के लिए ना इलायची जो है वो बहुत ज़बरदस्त एक खुशबू बना देती हैं और एक फ्लेवर भी बड़ा प्यारा बन जाता है। और यहाँ पे तकरीबन आप जितनी भी, वैसे अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आप जितनी भी लेना चाहें वो आप पे है, वो जितनी भी आप लेंगे उसमें जायका बढ़ेगा, खुशबू भी बढ़ेगी। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा जो क्रश है वो रेडी हो गया, और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता दूध में ना, और जितना भी होगा हम डालेंगे, क्योंकि ज़ाहिर ऐसा नहीं है कि अगर आप तकरीबन 10 किलो दूध लें और 10 किलो गाजरें लें तो वो खैर फिर ना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि हम तो बचपन से ये देखते हैं कि तकरीबन 1 किलो गाजर होती है या 1.5 किलो, तो उसमें तकरीबन 10 किलो में पकाया जाता है, 10 किलो दूध में। तो इसको अब हम सही तरह से हिलाएंगे, पकाएंगे, काफ़ी टाइम हमने इसको रखना है, और इसको रखने के बाद फिर
एक तो इसके ऊपर ही बैठना पड़ता है हर वक्त कि इस ताकि ना ये नीचे से ख़राब ना हो जाए। तो ये बस देखें, अब हम हिला रहे हैं, अब इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता ना इसका कलर चेंज होने लग जाएगा और फिर ये अब ये खोलने लग जाएगा, ये देखें। तो फिर भी इसकी ना मिड फ्लेम पे हमने इसको रख देना है। तो बस ये वैसे खैर काफ़ी टाइम ले लेता गाइस, क्योंकि जाहिर सी बात है इसने अभी येलो कलर का हो जाना है, क्योंकि जो गाजरें हैं वो अपना अब्जॉर्ब कर लेंगी। काफ़ी भूख लग चुकी थी और इसलिए अम्मी को हमने कहा कि आप ना मकई की रोटियां साथ बना के दें, मौसम भी जा रहा है क्योंकि सर्दी में वैसे ज़्यादा खाते हैं हम, लेकिन बस भूख लगी थी तो हमने कहा कि अम्मी आप साथ साथ ना हमें मकई की रोटी भी पका दें और हम गाजर का हलवा भी तैयार करते रहेंगे। तो ये गाइस हमारा गाजर का हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखें कलर काफ़ी चेंज हो गया है और इसे हम जब ठंडा होने के लिए रखते हैं तो ये और देखें ये जैसे कि ये येलो हो चुका है, ये येलोश येलोश हो गया क्योंकि जो गाजरें हैं उसने अब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए वो कलर चेंज हो गया। अब ये हम टेस्ट करेंगे। तो गाइस गाजर का हलवा रेडी हो चुका है और मैं बस अभी उन्होंने मुझे सर्व करके दिया अम्मी ने, तो मैं घर वालों के साथ तो नहीं बैठा, खैर वीडियो बनानी थी तो मैं आ गया हूँ अपने रूम में। तो जी ये है गाजर का हलवा, मैंने बस डलवाया अभी उतारा है। ये देखें ये थोड़ा सा ना हमें ये अच्छा लगता है फैमिली में, ये देखें हमें ये अच्छा लगता है कि ना थोड़ा सा लिक्विड इसमें हो दूध का ना, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है ना तो बड़ा मज़ा आता है इसे खाने में, वो यहाँ पे ना सुकून सा महसूस होता है। क्योंकि वो एक जैसे वो ड्राई होता है ना उसका भी खैर अपना मज़ा है, लेकिन जो ये है इसका अपना है, तो वो जो है वो थोड़ा सा गर्म होता है, थोड़ा सा नहीं खैर काफ़ी गर्म होता है। और जब लेकिन ये है कि इसकी हम फ्रीज़र में ठंडा करके अभी हमने रख दिया है और जब ये खाते हैं ना तो इसका वैसे अपना मज़ा है, दूध की ताकत भी बढ़ जाती है जिसमें गाजर है वो भी, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़वाद हैं। तो आपको भी इंशाल्लाह मज़ा आएगा, तो चलें टेस्ट करके देखते हैं ये कैसा बना हुआ है। काफ़ी गर्म है यार वैसे, ये देखें धुआं निकल रहा है, ये देखिए। तो लेकिन मैं आप लोगों को चेक करके दिखाने वाला हूँ। मज़ा तो खैर काफ़ी बना है लेकिन गर्म है, तो लेकिन क्या करें, अम्मी से मैंने कहा है कि मुझे ऐसे ही दें, अगर मैंने अब उनको कहा कि मुझे ठंडा करके दें तो गुस्सा करेंगे पहले क्यों आपने इस तरह लिया। तो खैर काफ़ी लजीज बन गया, जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। तो गाइस ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग, और अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साबिर सुल्तान ऑफिशियल को। तो मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।